15, 1877 मेलबर्न का वो मैदान तैयार हो रहा था अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए, जो मुकाबला 15 से लेकर 19 तारीख तक खेला जाना था। दोनों तरफ खिलाड़ी तैयार थे और वो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच में। एक ओवर थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान डेव ग्रेगरी और दूसरी ओवर थे इंग्लैंड के कप्तान जेम्स लिली वाइट। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे चार्ल्स बैनरमैन और नेट थॉमसन थे। इंग्लैंड की तरफ से गोलंदाजी की कमान संभाली अल्फ्रेड शॉ ने। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 245 रन पर रोक दिया, लेकिन उस समय 245 का स्कोर बहुत बड़ा माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी करते हुए चार्ल्स बैनरमैन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक ठोका। उन्होंने इस शतक में 18 चौकों की मदद से 165 रन बनाए। उस पारी में अल्फ्रेड शॉ ने और जेम्स साउथन ने 3-3 विकेट झटके। अब बारी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड बल्लेबाजी को उतरा, लेकिन बिली मिडविंटर के 5 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मैच 196 रन के स्कोर पर रोक दिया। अब दूसरी पारी में उतरी ऑस्ट्रेलिया 104 रन पर ही सिमट गई और इंग्लैंड की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अल्फ्रेड शॉ ने 5 विकेट झटके। अल्फ्रेड शॉ की बदौलत इंग्लैंड को अपनी दूसरी पारी में मैच 154 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य पूरा करने के लिए उतरी हुई इंग्लैंड की पूरी टीम को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई और मैच 108 रन बनाकर ही आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टॉम कैंडल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके। उनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 46 रन से वो मुकाबला जीता और इस तरह ऑस्ट्रेलिया पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जीतकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली।